गाइस, स्वागत है आपका ग्लो विद निधि चैनल पे, यानी मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहती थी गाइस, इसलिए मैंने वीडियो शूट करी आप लोगों के लिए। मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आज अपने घर में लेकर आई हूँ। गेस व्हाट, क्या हो सकता है? गैस करो। नहीं गैस कर पाओगे तो मैं आपको बताऊँगी। पहले थोड़ा सा गैस तो कर लो, क्या हो सकता है, क्या पता आ जाए दिमाग में। टन टन, ओ माय गॉड, माय न्यू बाइसिकल। हम जा रहे हैं मेरठ अपनी मासी के घर, बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारा इंजॉय करेंगे और मैं आपको मिलवाऊंगी अपनी मासी से। अगर वो कैमरे के सामने इंटरेस्टेड हुई आने के लिए तो गाइस आज उनसे मिलना है, क्योंकि मेरी मासी की बेटी की पैर में चोट लग गई है, इस वजह से आज हमें मेरठ जाना पड़ रहा है। अचानक से हमें अभी मालूम पड़ा कि उसके चोट लग गई है, तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग मेरठ। ओह आई एम सो एक्साइटेड गाइस अपनी मासी से मिलने के लिए। मासी आई लव यू सो मच। अगर आप मेरा ये व्लॉग देखोगे तो आप देखोगे आपकी बिटिया आपसे कितना प्यार करती है। हम आ रहे हैं। टन टन, माय आउटफिट दिस स्वेटर बिकॉज बहुत ज़्यादा सर्दी होगी वहाँ पे, एंड ब्लैक पैंट एंड लुक एट माई शू। या ये मेरे शू हैं, न्यू ब्रांड न्यू। चलो मिलते हैं, आज मैं आपको रास्ते का सफ़र की सैर करवाऊँगी और अपनी मासी से मिलवाऊँगी। अगर मेरी मासी को आप लोगों के सामने शर्म नहीं आई तो, अदरवाइज हम ब्लॉग को वहीं स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं रास्ते में। गाइस ट्रैफिक आप देख सकते हो, लबालब ट्रैफिक है। ट्रैफिक का कोई तोड़ नहीं है, इतना ट्रैफिक है, क्योंकि आज गंगा स्नान है ना गाइस, इस वजह से आज बहुत दुनिया यहाँ पे गंगा जी के दर्शन के लिए नहाने आई है। और बहुत बड़ा नहाना है, कल कार्तिक का महीना ख़त्म हो जाएगा, दो दिन बहुत तगड़ा नहाना है। ये रॉन्ग साइड में ट्रक आया था, आपने देखा होगा। चलिए अब सब छोड़िए, देखिए गंगा जी की नदी आ चुके, जय माँ गंगे। यहाँ काम चल रहा है, शायद यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, इन्होंने नदी को ही तोड़ के ना। जय माँ गंगे, आप सब भी दर्शन कर लीजिए साक्षात हरिद्वार से माँ गंगा, यहाँ मुरादनगर में प्रकट हुई है। ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक कितना जोरदार ट्रैफिक लगा हुआ है। देखो हमने अपने इस व्लॉग में आपको माँ गंगा के दर्शन करा दिए हैं। देखिए हम अब आ गए हैं गंगा नदी के किनारे, कितना शांत वातावरण है। इस समय रात के 10 बज रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे आप लोगों को कोई नहीं दिख रहा। देखिए ये माँ गंगा सीधा हरिद्वार से आई है। सब पूजा पाठ कर रहे हैं अपना अपना, हम भी थोड़ी सी पूजा करेंगे और अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। जय माँ गंगा। देखिए अद्भुत नज़ारा, ये कार्तिक मास है, ये नवंबर का महीना है, इसलिए लोग भक्तजन पूजा करने के लिए आए हैं। चलो अब चलते हैं नदी में नहाने, थोड़ा सा नहाएंगे नहीं, सिर्फ हाथ मुँह धोएंगे। Mm-hmm.
गैस आप बहुत हो चुकी है, समय 10:30-11 बज रहे हैं, तो इतने ठंडे पानी में नहाना पॉसिबल तो नहीं है, तो हम ऐसे ही थोड़ा सा गंगा मैया को प्रणाम कर लेंगे। ओहो बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। ओहो अब हम फटाफट अपनी फेस पहन लेंगे, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए स्नान करेंगे। गाइस अब हम कुछ खाने पीने जा रहे हैं, देखो क्या मिलता है नहाने धोने के बाद, कुछ खाना भी तो पड़ता है। ओहो शुद्ध भोजनालय है। ओहो आए हैं भाई खाने, हम आ चुके हैं यहाँ पे, इसका नाम है शुद्ध भोजनालय नहीं है, जैन कुल्फ़ी है। अब हम सोच रहे हैं कुल्फ़ी खा लें थोड़ी, चलो कुल्फ़ी खाए जाएंगे। और गंग नहर फूड पॉइंट में क्या मिल रहा है, गोलगप्पे हैं, पकौड़े शकौड़े हैं, लेकिन हम कुल्फ़ी खाएंगे। ठंड में कुल्फी खाने का तो मजा ही कुछ और है गाइस। दूसरी किसके लिए है? दूसरी मेरे हस्बैंड के लिए, पर मैं उन्हें दूंगी नहीं, अभी दोनों मैं ही खा लूंगी। ओ भाई साहब करिश्मा करिश्मा, ट्रक उठा आसमान में, देखो ये तो उठा उठा के ले जा रहे हैं भैया। इस ब्लॉग का मैं अब यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि हम मेरठ भी हो आए हैं, अब मुरादनगर की नहर पे हैं, अब हम जा रहे हैं गाजियाबाद की तरफ। मौका मिला तो घर जाके मैं कंटिन्यू रखूँगी, अदरवाइज यहीं एंड है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।